बैठिए मैडम। आप यहाँ कैसे? रवि ने बताया आपको मिलना था। हाँ, पर उनसे मिलना था, इनसे तो नहीं। मतलब आपको विद्या से डिटेल में बात नहीं करनी? नहीं, हमारी बात हो चुकी है। हमने 3 लोगों को पकड़ा भी है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। मैं तो सोच रही थी आप विद्या के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने किसको पकड़ लिया? अखिल, वो 3 लड़कों को फोटो दिखाओ जरा। सर, ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, ये लोग कौन है? अनएम्प्लॉयड यूथ है मैडम, चोरी चकारी करते थे। बेहतर होगा आप ये विद्या जी को यहाँ से ले जाएं, इनका इस हालत में यहाँ होना ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आई हूँ उन्हें। मुझसे कहा गया था आप मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और ये तीनों कौन है? और अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि विद्या ने CM के बेटे और उनके दोस्तों के बारे में कहा था। आप केस को रफा दफा करना चाहते हैं, राइट? क्या मिल रहा है आपको बदले में? पैसे, प्रमोशन, या फिर अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जानते हैं यहां क्या हुआ है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, एक मां और उसकी बेटी का गैंग रेप हुआ है यहां पे, और मां की आंखों के सामने बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है। जानते भी हैं उस मां के दिल पर क्या गुजर रही है? डू यू इवन अंडरस्टैंड? एंड व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग हियर? FIR रजिस्टर किया आपने? प्लीज शो मी द कॉपी ऑफ द FIR। एक सेकंड रुकिए जरा। एक तो आप हमें अंग्रेजी में धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको धमकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द कॉपी ऑफ द FIR। मिल जाएगा आपको कॉपी। कॉपी लाओ अखिल। ओके सर। कमाल है, हम किसी को पकड़े तो भी गलत, नहीं पकड़े तो भी गलत। नहीं, या किसी को सही और गलत साबित करने नहीं आई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग इंस्पेक्टर श्रॉफ, विद्या और टिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा जी? इंसाफ? मैडम, ये जो शब्द है ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं। कोई फिल्टर कॉफी थोड़ी ना आपने ऑर्डर किया, आपकी टेबल पर हाजिर हो गई। मैडम, इंडियन कोर्ट्स में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और आपको इंसाफ चाहिए इंस्टेंट? कमाल है। वैसे क्या करेंगे आप? कैंडल मार्च निकालेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, उससे इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ चाहिए आपको मैडम, और हमारे पास है क्या? आप सोचिए ना, गवाह और सबूत के नाम पर क्या है हमारे पास? धेला भी नहीं है। विद्या गवाह है मैडम, वो विक्टिम है, उसकी गवाही काफी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिन लोगों का नाम ले रही है वो रातों रात गवाह बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, राइट? आई गेट योर पॉइंट। आप मैडम एक बार मेरी बात सुनिए, मैं नहीं चाहता उनके साथ एक बार जो हुआ है वो दोबारा हो। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा सिर्फ विद्या जैसे लोगों को, जो पहले उन कमीनों से अपनी इज्जत उधड़वाती हैं, और उसके बाद जो बची खुची है वो मीडिया से और कोर्ट में वकीलों से। मैडम, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये साबित करना कि विद्या अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेके फॉर्म हाउस पे गई थी। आई होप यू आर गेटिंग मी। या, लाउड एंड क्लियर। ये आपकी FIR कॉपी। थैंक यू वेरी मच। अरे एक्सक्यूज मी, ये महिला जो यहाँ बैठी थी कहाँ गई?
मीना। यस मैम। कैसी हो बेटा? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं देख रही थी तुम थोड़ा गुमसुम थी क्लास में। नहीं मैम ऐसे कोई बात नहीं है। सब ठीक है ना? जी मैम। दरअसल मुझे तुमसे एक काम था। मैम हम ये कर सकते हैं कि एवरी डे या फिर एवरी थर्ड डे हम टिया के अकाउंट से कुछ पिक्चर्स अपलोड करें। वी कैन ऑल्सो टैग पीपल इन इट, जिससे लाइक ज़्यादा आएंगे और लोग इसे रिपोस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये पिक्चर है और मैं इस पिक्चर में अपने सारे फ्रेंड्स को टैग कर रही हूँ। अब अभी मत पोस्ट करना। वैसे तुम्हारे और टिया के काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना फेसबुक पर? मैम आई एम गेटिंग लेट। क्यों, क्या हुआ मीनल? कुछ नहीं मैम। मीनल क्या बात है? देखो तुम मुझे बता सकती हो, यू कैन टेल मी, मुझ पे भरोसा करो। मीनल मीनल इट्स ओके। क्या हुआ बेटा, क्या बात है मीनल? इंद्र जांगरा हमारा पड़ोसी है। दो घंटे हो गए नर्स ने दिया अभी तक। मेरे डैड का काम सही नहीं होने के कारण पापा मम्मी में रोज रोज लड़ाई होती थी। उन्होंने बहुत शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। मैं हमेशा अपने कमरे में दरवाजे को लॉक करके बैठ जाती। एक दिन इंद्र ने घर से दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर बेल बजाई। पापा ने बहुत टालना चाहा पर वो घर में घुस गया। कुछ ही दिनों में इसका रोज हमारे घर आना जाना होने लगा। मैं स्कूल में होती। पापा को घर पे रोज शराब पिलाकर इंद्र मामा के साथ। एक दिन जब मैं स्कूल से जल्दी घर पहुंची, उसने मुझे उसके बाद वो मुझे होटल्स में भी ले जाने लगा। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते वो मेरे साथ मनमानी करता है। हमारे एनुअल डे की रात को उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मैं आपके साथ और टिया के साथ घर जा रही हूँ। और मैंने आप लोगों की खबर सुनी। इसका मतलब तुझे पता था? मैम वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। वो लोग गन्स लेके घूमते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई ना तो वो लोग मुझे। मीनल कुछ नहीं होगा, तू घबराना नहीं, ठीक है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। Oh!
पाटिल पाटिल। हाँ सर। ये क्या सिक्योरिटी है तुम्हारी? मैं देखता हूँ। अपोजिशन के लोग मेरे घर में घुसकर मेरे मुंह पे तमाचे मारते हैं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहता हूँ। गेट आउट, गेट आउट। टीवी चला। सीएम की होली पार्टी में बड़ा सीएम को करारा थप्पड़। सीएम, आई वांट दिस बास्टर्ड। ये अपोजिशन की साजिश है। निकल, निकल बाहर। होली पार्टी का माहौल अब शोक में बदल गया है। पापा, क्या है पापा? ये है पाटिल वाटिल को इतना चुप यार। पापा मेरे ऊपर यू जस्ट शट अप। रेरी मारते रहे। ये मीडिया वाली टीम क्या कर रही है? अभी बंद चाहिए मुझे ये न्यूज, बंद ग्रास न्यूज को अभी के अभी। ये मीडिया क्या कर रहा है हमारा? एक चीफ मिनिस्टर के घर में घुसकर उस पर बंदूक तानने की, I think finally it is over.